अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद खादर, कांग्रेस स्टेट सेक्रेटरी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट तेलंगाना स्टेट। एक ज़रूरी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो जिम के ओनर्स है वो आज बहुत ज़्यादा परेशान हाल है, क्योंकि आज जिम नहीं खुला है तेलंगाना स्टेट में, कि कोई जाके एक्सरसाइज तो कर नहीं सकते वहाँ पर विदाउट परमिशन गवर्नमेंट के। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये लोग कब तक किराया भरते रहेंगे। जो जिम्स के किराया ओनर्स जो अलग रहते हैं फ्लैट्स जहाँ पर भी ये लोग जिम चला रहे हैं, उसके जो ओनर्स होते हैं उनको किराया कब तक बनते रहेंगे। मैं यही पूछना चाहता हूँ केसीआर गवर्नमेंट से, जैसे कि ये वाइंस खुलाया आपने वैसे ही जिम भी खुला दीजिए। जिम करने से जो है ना लोग सेहतमंद रहेंगे और अच्छे रहेंगे। वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करने लगाइए आप जिम खोल के। तो आज जो बहुत ज़्यादा परेशान है, जैसे कि आप वाइंस की जगह पर कोरोना डिस्टेंस बता रहे, ये भी जिम की जगह पर भी कोरोना डिस्टेंस में रखा के कराइए आप, या उनको ऐसा बताइए कि डिस्टेंस में रख के एक्सरसाइज करने के लिए बोलिए, जिम खोलने लगाइए। अगर आप जिम नहीं खुला सकते जनाब केसीआर साहब, तो ये लोग आज बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और जो वो लोग किराया बन रहे हैं वो उनके दिल से पूछिए आप, कहाँ से लाके किराया बन रहे हैं वो लोग। 4-5 महीने हो गया वो बगैर ऐसे किराया बनते जा रहे हैं। तो जिम चलाए और उसमें से जो नए नए बिजनेस करने वाले भी थे उसमें, जो जिम चला रहे थे नए नए जिम डालने वाले भी थे उसमें, तो वो लोग आज बहुत परेशान हैं केसीआर साहब। तो मैं यही आपको बोलना चाहता हूँ कि जिम खुलाइए, जैसे कि कोरोना जैसे वाइंस खुलाए आप वैसे जिम खुलाइए आप। या तो जिम नहीं खुलाना चाह रहे हैं आप, तो कोई एक जिम के ओनर्स के लिए एक स्कीम लाइए, जो कम से कम जिसको 30,000 रुपये किराया, तो आपकी तरफ से 15,000 रुपये आधी तो भी किराया आप बनिए आप। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि बहुत ज़्यादा नए नए लोग हैं जो अभी बिजनेस में जो बिजनेस करे अभी, तो जिम के ओनर जो नए नए जो कदम रखे नए नए जिम खोले वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। तो इसमें कम से कम आप जो किराया उनका जो 50,000 है, तो उसका आधा किराया आपकी तरफ से माफ़ कराइए, या तो आप आधा किराया आपकी तरफ से दीजिए। आप हमारी गुजारिश है ये आपसे कि बहुत ज़्यादा लोग जिम के ओनर जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान है आज। जिम तो बहुत ज़्यादा लोग जो है ना क्लोज करते रहे नए नए बिजनेस में, अगर वो क्लोज करते रहे ना सर, तो आप दूसरी जगह पे आप कुछ भी छोटा मोटा बिजनेस लगा के दीजिए आप उन लोगों के लिए, बिजनेस में सपोर्ट करिए। ऐसा भी नहीं फ्यूचर में कोई बिजनेस में सपोर्ट करेंगे, तो देखिए कोशिश करिए या तो जिम खुलाइए या तो फिर जिम के ओनर्स के लिए कुछ नई स्कीम्स लाइए।